So hey guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital, Delhi. So, ये वीडियो होगी NEET 2025 aspirants के लिए. अब तुम में से काफी लोग होंगे जिन्होंने अप्रैल मई में शुरू कर दी है प्रिपरेशन. कुछ लोग होंगे जो अभी शुरू कर रहे होंगे. कोई दिक्कत नहीं है, बैकलॉग्स आ गए हैं तो क्या करना है, कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करना है, सबके आंसर तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएंगे. बस लास्ट तक बने रहो, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों का आता है वो आता है कि अगर अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें तो क्या एक अच्छी रैंक हासिल की जा सकती है नीट में. सो इसका आंसर है डेफिनेटली यस, बिकॉज मैंने तुमसे काफी लेट अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी और अगर मैं इतनी अच्छी रैंक हासिल कर सकता हूं देन डेफिनेटली तुम तो कर ही सकते हो. और इस पे एक कंडीशन ये भी अप्लाई होती है जो कि मैंने भी फॉलो की थी कि तुम्हें अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स देने जो भी तुम्हारी डिजायर्ड रैंक है उसके लिए, ठीक है. अगर तुम ये कर सकते हो देन डेफिनेटली तुम अपनी डिजायर्ड रैंक हासिल कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा रहता है कि क्या 11th की फिजिक्स सच में बहुत ज्यादा हार्ड है. तो मैं इसको हार्ड नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा 11th की फिजिक्स टाइम कंज्यूमिंग है. तुम्हें 11th की जो फिजिक्स है उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बायो और केमिस्ट्री. और इसका एक रीजन ये भी होता है कि यहाँ पे तुम न्यू टाइप के क्वेश्चंस यानी कि न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चंस से तुम एक्सपोज होते हो. इससे पहले तुम्हारा इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं होता है उन तरह के क्वेश्चंस पे. तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क देता हूँ. उस फ्रेमवर्क क्या है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन देखो उसको 15-20 सेकंड रीड करो. फिर दूसरी चीज क्या करो, उससे ये निकालने की कोशिश करो कि उस क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या है और तुम्हें दिया क्या है. और ये पता करो कि वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, चैप्टर के बाद ढूंढो टॉपिक कौन सा है, टॉपिक के बाद ढूंढो सब टॉपिक, उसके बाद ढूंढो कंसेप्ट और एट द एंड फॉर्मूला. और थर्ड स्टेप तुम्हारा होगा कैलकुलेशन. इस चीज को बार 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 रिपीट करोगे तो ये तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी और तुम न्यूमेरिकल्स को अच्छे वे में अप्रोच कर पाओगे. दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन की अगर तुम्हें उनमें दिक्कत आती है तो, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन जो तुम्हारा आता है वो आता है कि कितने डेली स्टडी आवर्स की नीड होती है. तो मेरी सिस्टर भी प्रिपरेशन कर रही है, मैं बिल्कुल सेम आंसर दूंगा जो मैं उसको देता हूँ. तो आंसर है कि ये मैटर ही नहीं करता. मैटर ये करता है कि तुम्हारे जो गोल्स हैं, तुम्हें जो करना है वो तुम कितनी देर में कर पा रहे हो. ये टाइम बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है. किसी को उसी चीज को करने में 4 घंटे लग रहे हैं और किसी को उसी चीज को करने में 6 घंटे लग रहे हैं. तो मैं दोनों को ये नहीं कह सकता कि तुम इसको 4 घंटे में ही कर लो, ये चीज गलत होगी. अब तुम्हें कैसे डिसाइड करना है कि तुम्हें कितना टाइम लगता है, तुम पढ़ो, तुम खुद के हिसाब से देखो कि तुम्हें जो भी तुम्हारे डेली के गोल्स होते हैं उनको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है और उस हिसाब से डिसाइड कर लो कि हाँ ये मेरा फिक्स स्टडी आवर्स है, इतने स्टडी आवर्स में मेरा जो वर्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो इतने स्टडी आवर्स मेरे लिए जरूरी हैं. अब उसको फिक्स कर लो और फिर उसको ही फॉलो करो तुम, ठीक है. उसके बाद ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, कि ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है. अब देखो यहाँ पे रिजल्ट की तो बात नहीं करेंगे बिकॉज रिजल्ट तो अब तुम जानते हो, ऑनलाइन से भी रिजल्ट्स आते हैं, ऑफलाइन से भी रिजल्ट्स आते हैं. तुम्हें क्या चुनना चाहिए उस पर बात करते हैं. तो मैं कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बता देता हूँ जिनके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है. तो अगर तुम टाइम को सेव करना चाहते हो, तुम्हारे पास टाइम कम है, तुमने लेट प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तुम, तो तुम ऑनलाइन के साथ जा सकते हो अगर तुम्हें टाइम सेव करना है, ठीक है. और अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, तुम अपने हिसाब से डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर सकते हो, तो तुम ऑनलाइन प्रेफर करो. और अगर पीयर प्रेशर से तुम परेशान होते हो, जो कि मेरा भी एक मेजर रीजन था कि मैंने ऑनलाइन से पढ़ना प्रेफर किया, कि पीयर प्रेशर से तुम परेशान हो जाते हो, तुम्हारे आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं, तुम उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, तो तुम ऑनलाइन चुन सकते हो. ऑफलाइन तुम कब चुन सकते हो, कि तुम एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल में रहना चाहते हो तो तुम ऑफलाइन चुन सकते हो. तुम्हें ग्रुप स्टडीज बहुत पसंद है, तुम ग्रुप में बहुत अच्छे वे में पढ़ पाते हो तो तुम ऑफलाइन चुन सकते हो. तुम सेल्फ फोकस्ड सेल्फ डायरेक्टेड नहीं रह पाते, तुम भटक जाते हो तो तुम ऑफलाइन चुन सकते हो. और या तुम मीन गायो, कि बहुत मतलबी है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये भी चीज. तुम मतलबी हो अगर अपने करियर के लिए तो वो भी बहुत अच्छी चीज है. अगर तुम मतलबी हो, तुम्हें किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता अपना, तो भी तुम ऑफलाइन जा सकते हो, ठीक है. इसके बाद आते हैं टाइम टेबल पे. तो टाइम टेबल पे मैं कहूंगा
कि तुम्हें एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल की नीड नहीं है, तुम्हें एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना है, और वो भी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। बिकॉज मैं इसलिए नहीं देना चाहता टाइम टेबल, बिकॉज अगर मैं बोलूँ तुम्हें तुम 6 बजे उठो लेकिन तुम 8 बजे उठते हो, तो तुम्हारे लिए उस चीज़ को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना चाहिए। मोटा माटी चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें अपनी ईटिंग टाइम और स्लीपिंग टाइम को फिक्स रखना है, उसको बार बार चेंज मत करो। अपने स्लीप आवर्स 6 to 7 डेफिनेटली रखो, ठीक है। अब आते हैं किसी भी चैप्टर को पढ़ना किस तरह से। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। काफ़ी स्टूडेंट्स अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं इसी चीज़ को पता करने में कि उनको किस तरह से पढ़ना है। तो अप्रोच क्या रहनी चाहिए, सबसे पहले तुम्हें करना है प्रीव्यू। जो भी लेक्चर है, लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं उनको एनसीईआरटी में से, मॉड्यूल्स हो तो उनमें से एक बारी बस ऊपर ऊपर से देख के चल जाओ, ताकि जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो डिफिकल्ट की वर्ड्स होंगे, उनकी तुम्हें ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए। उसके बाद तुम्हें बहुत लेजर फोकस रखना है अपने लेक्चर के दौरान, और लेक्चर को ना मतलब जितने अच्छे से ले सकते हो लो। बिकॉज क्या होता है कि है ना, लेक्चर के टाइम पे तुमको ऑडियो और विजुअल मेमोरी दोनों मिल रही होती है, और ये बेस्ट होती है। इससे तुम बहुत चीज़ें क्लास के टाइम पे ही याद कर लोगे, इसलिए लेक्चर को अच्छे से लेना है। इसके बाद आता है नोट्स अच्छे से बनाओ, बिकॉज नोट्स ही तुम्हारा लास्ट सोर्स ऑफ रिविजन होंगे। इसलिए नोट्स को अच्छे से बनाओ, कलरफुल पेन्स यूज करो कर सकते हो तो। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी को अच्छे से धीरे धीरे पढ़ो शुरुआत में, इसके बाद उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, और फिर उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करनी है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस्ड करो, मॉड्यूल्स तुम यूज़ कर सकते हो। और खासकर एनसीईआरटी बेस्ड के लिए मैं तुमको रिकमेंड करना चाहूँगा, तुम नीट प्रेप असेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें तुम पेज वाइज फिल्टर लगा के न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हें जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आए उसके वीडियो सॉल्यूशंस और ऑडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट सॉल्यूशंस। और तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में हिंट्स और स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ताकि तुम अपना स्टेप देख पाओ कि तुम्हें किस में गलती की थी। और एनसीईआरटी की वो लाइन जिससे तुमने वो क्वेश्चन गलत किया है वो भी तुम्हें बता दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसका एक नया फीचर अभी आया है, लाइक यू मार्क्ड एनसीईआरटी। अब इसमें तुम्हें जो भी एनसीईआरटी में जो भी TYQs आए हुए हैं वो हाईलाइट किए हुए मिल जाएंगे, पास्ट 25 ईयर्स के। उनको तुम जाके सॉल्व कर सकते हो, और उनके भी सॉल्यूशंस तुम्हें मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी के टेक्स्ट के साथ साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर्स हैं, उनके भी क्वेश्चंस तुम्हें जो PYQ आए हैं वो हाईलाइटेड मिल जाएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें करना है अपना रिवीजन, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। रिवीजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। अगर मैं इस वीडियो में वो इंक्लूड करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए तुम उसको जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शॉर्ट नोट्स में अगर तुम्हें बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेस्ट। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, टेस्ट को मिस मत करना। ये गलती मत करना कि हम टेस्ट लास्ट में दे देंगे, अभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मिस्टेक मैनेजमेंट। मिस्टेक्स को तुम्हें रेक्टिफाई करना है। कैसे करना है, मिस्टेक कॉपी बनाओ, उसमें अपनी सारी गलतियां लिखो और उनको बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तुम्हारा डाउट ये आता है, गोल वाइज वर्सेस टाइम वाइज स्टडी। अब ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर्सनली मैंने इसमें अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था। कभी तो मैं गोल्स बना के पढ़ता था, कभी मैं टाइम वाइज पढ़ रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या चीज़ मेरे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है और किसे मुझे फॉलो करना चाहिए। तो मैंने एंड में यही कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ कि शुरुआत तुम करो टाइम वाइज स्टडी के साथ। रीज़न बीइंग, जब तुम अपनी प्रिपरेशन शुरू ही कर रहे हो जैसा कि अभी, तो तुम्हें आइडिया नहीं है कि किस चैप्टर में किस टॉपिक में तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तुम्हें इसका पूरा आइडिया जब तक नहीं होगा कि जब तक तुम उस सब्जेक्ट के साथ फैमिलियर ना हो जाओ, तो तब तक तुम्हें टाइम वाइज स्टडी करनी है। टाइम वाइज स्टडी ऐसे कि तुमने अपना टारगेट बनाया कि मैं 6 घंटा या 7 घंटा पढ़ूंगा, बस तुम उन आर्ट्स को अचीव कर रहे हो।
और जब तुम गोल वाइज स्टडी कर दोगे तो तुम अपने गोल्स बना लोगे कि मुझे आज के दिन में ये टॉपिक्स कंप्लीट करना है, और फिर उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने पे तुम ध्यान दोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि हम मिस कर देते हैं, कि तुम्हारे लिए एक तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल जरूर होना चाहिए। तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल जो भी हो उसको एक पेज पे लिखो और चिपका दो जहां भी तुम पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी तुम्हें उससे। तो इसके बाद आते हैं डिस्ट्रैक्शंस की ओर। तो मुझे पता है कि जो भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, इनमें से 90-95% एस्पिरेंट्स का यही हाल होगा कि डिस्ट्रैक्शन से परेशान है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। तो देखो, सबसे पहली चीज जो तुमको करनी होगी वो होगी प्रायोरिटाइजेशन। अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन से तुम लड़ नहीं पा रहे हो, फाइट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें नीड है प्रायोरिटाइजेशन की। तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि क्या चीज तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। एक पेज लो, उस पर लिखो कि तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है, तुम अभी के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे लिए क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिखो। और एक चीज समझ लो कि या तो तुम फोकस्ड हो या तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, इसके बीच में कुछ चीज नहीं आती। तुम्हें डिसाइड करना है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें लगे ना कि यार मैं फोकस्ड हूँ या डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, पूछो खुद से कि क्या मैं फोकस्ड हूँ या डिस्ट्रैक्टेड हूँ। सिर्फ एक आंसर ढूंढो, इसमें से कुछ बीच का आंसर नहीं ढूंढना है, बिकॉज बीच का आंसर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तुम्हें पता करना है कि तुम फोकस्ड हो या डिस्ट्रैक्टेड हो। अगर फोकस्ड हो तो बढ़िया है, डिस्ट्रैक्टेड हो तो जो चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो जानो क्या है, उसको रिमूव करो और अपने आप तुम फोकस की तरफ आ जाओगे, समझे। और डिस्ट्रैक्शंस को तुम अपनी फ्रेंड की तरह यूज करो, ना कि ऐसा कि वो तुम्हें गिल्टीनेस प्रोवाइड करें। तुम डिस्ट्रैक्शन को फ्रेंड के साथ ऐसे यूज कर सकते हो कि तुम ऐसा डिसाइड कर लो कि मतलब मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, मैं ये टॉपिक्स कंप्लीट करूंगा, तो मैं थोड़ा टाइम अपने डिस्ट्रैक्शन को दूंगा, मैं 15-20 मिनट अपने डिस्ट्रैक्शन को दूंगा। इस तरह से वो डिस्ट्रैक्शन तुम्हें एक मोटिवेशन देगा अपने जो भी काम है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से तुम डिस्ट्रैक्शन को अपने दोस्त की तरह यूज कर लोगे। तो अब आगे आते हैं बैकलॉग्स पे। अब मुझे पता है कि तुम में से काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स यहां तक इसलिए ही बने हुए हैं कि तुम्हें आंसर ढूंढना है बैकलॉग्स का क्या करना है। तो बैकलॉग्स के लिए एक रूल बना लो, जितना ज्यादा प्रिवेंट कर सकते हो उतना ज्यादा प्रिवेंट करो। अभी तक तुमने नहीं किया था, अभी तक तुम्हारे बैकलॉग्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से रूल बना लो, अब इसके आगे तुम्हारे और बैकलॉग्स नहीं होंगे। और अगर तुम्हारा बैकलॉग आ गया है तो क्या करना है, पहले अपने करंट टॉपिक्स पे फोकस करो। करंट टॉपिक्स के लिए जो जो तुम्हें बेसिक टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ रही है वो पहले पढ़ लो, उसके बाद धीरे धीरे अपने वीकेंड्स को यूज करो, अपने जो भी बेसिक टॉपिक जो बहुत ज्यादा वास्ट चैप्टर्स में यूज होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। फिर कॉम्प्लेक्स वाले टॉपिक्स पे जाओ, जैसे कि थोड़ा थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ऐसे टॉपिक्स को बाद में पढ़ो, ठीक है। और इसके बाद अगर तुम अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, कम टाइम मिल पा रहा है, पहले तो जितना यूज कर सकते हो करो, उसके बाद अगर तुम्हारा जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी जो 11th और 12th के बीच में जो ट्रांजिशन आता है उसमें भी तुम जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो बच गए होंगे उनको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, जो कि मेरी प्रिपरेशन में भी था और तुम्हारी प्रिपरेशन में होना चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 आवर्स अगर तुम ऑल्टरनेट डे पढ़ रहे हो उससे बहुत ज्यादा अच्छा है कि तुम 6 आवर्स भी डेली पढ़ो, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है कि जब हमारी कंटिन्यूटी टूट जाती है तो उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमको थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ते हैं, जो कि फिर हमारे स्टडी आवर्स में से निकलते हैं और एज अ रिजल्ट हमारी स्टडी कम हो जाती है। इसलिए तुम्हें अपनी स्टडी डेली रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। जितने भी आवर्स तुम डिसाइड करो बस उसको मेंटेन जरूर करके रखो। देखो तुमने भी सुना है वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टडी। तुम्हें ऐसा समझना है कि ये जो नीट की प्रिपरेशन है ये एक रेस है और इसमें लगातार हर साल लाखों एस्पिरेंट्स दौड़ते हैं, लेकिन एट द एंड वही जीत के जाता है जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, जो लास्ट तक दौड़ता रहता है। सो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली। आई होप ये दिवाली तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी नई खुशियां लेके आए।